भाइयों के बोलते ही पेट्रोल पंप आ गया एंड इसमें फ्यूल का इंडिकेशन भी आ रहा है, तो पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। अल्लाह, पेट्रोल पंप ही बंद पड़ा है कहीं, इसका अगर फ्यूल खत्म हो गया ना, बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती होने वाली है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड टू आवर चैनल एसबीके व्लॉग। क्या हाल है मेरे भाइयों के? भाई आप सोच रहे होंगे 10R दूसरा से 10R, ये देवू भैया की माया तो नहीं ले आया? नहीं भाई, ये माया नहीं है, ये दूसरी बाइक है। कल मतलब कल रात को दिवाली थी, तो अभी तो क्रैकर्स बैन थे दिल्ली में, तो इतना पोल्यूशन है, इतने सारे बम बटे। सोचो अगर क्रैकर बैन नहीं होते तो क्या हाल होता। भाई देखो, मैं क्रैकर्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट ये जो पोल्यूशन है ना, ये हम जैसे जवान लोगों को भी प्रॉब्लम करता है, पूरा गला चोक हो जाता है। तो सोचो जो ओल्ड एज, जो बच्चे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। सरकार को भी सिर्फ पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, क्रैकर से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड आज छुट्टी है तो भाई राइड करनी तो बनती ही है, मतलब छुट्टी है और हम ऐसे कैसे वेस्ट जाने थे, क्योंकि आज विश्वकर्मा डे है। सो हैप्पी विश्वकर्मा डे टू यू ऑल। एंड तो राइड तो करनी बनती है भाई, छुट्टी को हम वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे, तो इसलिए आज हम निकल गए राइड पे। ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ मैं, मासूम, सभी बाजी और गौरव भैया, तीन बाइक चार जने। तो आज मैं लेने वाला हूँ 10R के, मतलब सोच रहे हो ना कितनी लाउड है, देवू भैया की 10R से ज्यादा, मतलब डबल लाउड है ये। और इसमें लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट, मतलब 10R के अंदर SC प्रोजेक्ट से ज्यादा लाउड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है। और इसमें इतनी बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकलती है, इतनी बड़ी बड़ी। अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया, मतलब सभी बाजी और गौरव भैया को, कि मैं कौन सी बाइक पे आ रहा हूँ, उनको सरप्राइज देना है। एंड ये बाइक हमने ली है फॉर सेल पर्पस, तो ये वो उसकी चीज, उसकी बाद में बात करेंगे। बट अभी मैं देने वाला हूँ सभी बाजी और गौरव भैया को सरप्राइज। एंड मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि मेरे को व्यूलिंग करानी है, फिर बार बार ग्लव्स उतारने पड़ते हैं। एंड दिल्ली में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं दो टी शर्ट पहन के चल रहा हूँ। जो मेरी अल्पाइन वाली जैकेट थी, मुझे ध्यान नहीं मैंने कहाँ रखी हुई है, इसलिए मैं स्पीडी की मैश वाली जैकेट पहनी हुई है, तो इसके नीचे इसलिए मैंने दो टी शर्ट कैरी कर ली है, क्योंकि भाई ठंड लग जाएगी तो हालत बुरी हो जाएगी। एंड इसका इसी के तो पैसे हैं। देख लिए 1000 का है, का है, का है वो गाड़ी। मैं फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ था। उबार का और बाजी, फाइनली बाइक वापस आ गई, अपडेट हो गए। कैसे भैया? मैच बाद थोड़ी की चीज नहीं बतानी, मैं कहा चलो आएंगे बोलेंगे। मैं फ्लाई ओवर के ऊपर खड़ा हुआ था, मेरे को लगा अभी ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे। दिल खुश कर दिया। चलिए फिर हाथ तो भैया इसकी टाक जा वर्दी, चलो 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 चलो। अरे इसमें फ्यूल डलवाना है, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं खुला हुआ, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं खुला हुआ, दो तीन पेट्रोल पंप आते खुले ही नहीं हुए। भैया वो खुला होगा, वो मोटिवा वाला। कब लेके आए हो? अरे जिस दिन मैंने आपको भेजी थी ना, वो नए रंग वाली। हाँ उसी दिन। देवू भैया को बताना, अरे मैंने दिवाली से पहले मैं जाता हूँ, पहले वीडियो ऑन करता हूँ, रिएक्शन देखते हैं क्या आता है इनका। मैंने पहले ही देख ली। देवू भैया को कहना क्या दिवाली से पहले
अरे दिवाली भाई साहब बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया, मैं सरप्राइज देने आया था, मैं खुद सरप्राइज हो गया। कल इनके घर गया। कब? कल गया मैं, कल रात को, कल नहीं परसों, परसों परसों गया। जाके कह रहे पाजी आओ, मेरे को पार्किंग में क्यों ले जा रहे, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। मनी पाजी की गाड़ी के पीछे खड़ी करी हुई है। ओ भाई मेरे को उंगली कर रहे हैं, कल राइड पे जाना है, कल जाना है, कल जाना है। तभी आप बोल रहे थे मैं धोला कुआ मिलूंगा, वो आ जाएंगे। ओ भाई मैं कुछ सरप्राइज हो गया। भाई पूरा व्लॉग मत देखो, पहले सबसे पहले पॉज करो और यही लाइक करो। आज तो मतलब बोलो हल्का होने वाला है, 10,000 आ रहा है, अभी मासूम भी आ रहा है 1,000 आ रहा, मतलब फुल ऑन धमाके। पाजी की बाइक नहीं थी इसमें कुछ, एक तो इसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से क्विक शटर ढंग से काम नहीं कर रहा था, एंड इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे बाहर से आते हैं, तो बाहर से आने आने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो 1.5 से 2 महीने बाद हमारे पास ये बाइक वापस आई है, एंड पता नहीं कि 2 महीने या 3 महीने बाद हम शायद इस पर राइड करने जा रहे हैं, तो आज तो मजा आने वाला है। पहले करानी है फ्यूलिंग, कहीं जो जो इसमें ज्यादा रेव करने में कहीं पता लगे बाइक का फ्यूल ही खत्म हो गया, लात लगानी पड़ गई। ओ साजी इज बैक, तो फ्यूल अप हो गई है सारी बाइक्स, एंड मासूम ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो 2000 RR 1Z900 मतलब अपनी एक्स थॉर एंड अपनी न्यू बेब 10R, पेट्रोल बहुत अभी भी सस्ते होने के बाद भी बड़ा महंगा सा लग रहा है। 25 रुपीज़ बढ़ा के अगर कोई 10 रुपये कम कर दे तो ये कम होना थोड़ी था कहता है, अभी भी अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो 15 रुपये बढ़ा हुआ ही है। एंड लोग हमारे इंडिया में थोड़े से बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं, चाहे उसमें मैं भी हूँ। कोई बात नहीं भाई, शौक पाला तो पूरे भी करेंगे, जय हो सच्चे पातशाह। ऊपर वाला अपने शौक पूरे कराता है सबके। विजिबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, एंड गले में बहुत गंदा चोक करता भाई ये पॉल्यूशन। इसका जब बम है ना, डाउन शिफ्ट जो है ना सीधा दिल पर लगता है। अब आएगा फिर दोबारा दोनों मिक्स होके वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है, मतलब ये समझ लो मरे से मरा 200-300 मीटर की विजिबिलिटी है, उसके बाद तो बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, तो भगा तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे जब तक ये फॉग या पॉल्यूशन जो भी है दोनों मिक्स हो गए, जब तक हटेंगे नहीं तब तक कोई बात नहीं, हम नॉर्मल राइड करते हुए पहुंचेंगे, जब आएंगे तो होपफुली धूप निकल जाए और ये सारी चीजें हट जाए, उसके बाद भगा लेंगे यार। भगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइड करना इंपॉर्टेंट है। इसमें 10R में बस एक कमी है यार, मतलब 2020 वाले मॉडल से पहले वाली है, 2021 में तो मेरे ख्याल से हैजर्ड आ गया है, उससे पहले हैजर्ड लाइट नहीं थी, तो इसके चारों इंडिकेटर नहीं जलते, अगर जलाने हैं तो उसके लिए अलग से आपको जुगाड़ करवाना पड़ता है, स्विच लगाना पड़ता है,
बट अगर वो होते ना तो मजा आता, मतलब या सुपर बाइक हो ना और चारों इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हो तो अलग ही फील आता है। क्या व्लॉग करूं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे खुद इतनी दिख रहा तो आप लोगों को क्या दिखाऊं। सभी पाजी और मैं तो बाय बाय खेल रहे, एक बाय बाय सभी पाजी ने दिया क्योंकि बाइक इतनी खुद लाउड है तो पता नहीं लगता दूसरी बाइक पीछे से आ भी रही है नहीं आ रही, मेरी फट गई, लिटरली फट गई। और फिर मैंने दो बाय बाय दिए सभी पाजी को, सभी पाजी की फट गई। बहुत लाउड है यार, बहुत हद से ज्यादा लाउड है। तीसरा बाय बाय सभी बाजी को। तो भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी खत्म हो गई। दे रहा हमें लेफ्ट जाना हाईवे में सारा के लिए, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा। तो भाई अभी तो ठंड आई नहीं है, ये वैसे पॉल्यूशन प्लस फॉग दोनों हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा खुला एरिया तो यहाँ पे फॉग ज्यादा है। ट्रिप करने के चक्कर में आगे ना चला जाता। हाँ जी फ्लाई बाय कैसे थे? अरे जान बुझ के मारे आपने, कभी यहाँ से फोड़ रहे हो, कभी यहाँ से फोड़ रहे हो। ओ मैं दो में मेरे को पता था, मैंने देखा था अभी आएंगे ये जो लास्ट में यहाँ से मारा। हाँ लिटरली जब मैं पहले आपके पास से गया फ्लाई बाय मार के, उसके बाद का जो आपने मारा था ना वट गई थी। बहुत लाउड है वो। आज तो है ये प्याज के शौकी। क्या हुआ था उस दिन गौरव भैया? खाली खाली कटोरे में ढूंढ रहे हैं उल्टी टूथपिक से प्याज। प्याज कहाँ है? सब खाली तरी में मार रहे हैं। इनको बता, चढ़ गई थी। उस दिन ये ज्यादा इनकी ऑन द रॉक्स हो गई थी, कह रहे खाली कटोरी में प्याज टूटी जा रहे थे, वो भी उल्टी टूथपिक से। मतलब ये अच्छे से करोगे, नाम तो वो गया इसमें कैमरा कितने और जा रहे हैं थोड़े से आ रहे। नहीं नहीं भैया वो इनका देखो तीसरा राउंड ये ले जाओ, एक और पहले ऑर्डर कर दो ना, टाइम लग नहीं नहीं बस हो गया अपना, सिप करके देखो किधर दिया। उधर तो बचना चाहिए। अभी क्या हुआ था, आपकी शक्ल क्यों बन गई थी? शक्ल तो बननी है। अरे हम काले काले हो गए घर। शक्ल तो बननी है भैया। इतने टाइम बाद इनकी बाइक आई है, अभी एक आंटी ने इनकी बाइक में बोतल रख दी। इनकी हालत देखने वाली थी। देखो ऑल्टो में नहीं आए, क्रेटा में आए हैं। क्रेटा नहीं हैरियर है जो भी है, तब भी ऊपर हम अभी अभी ऊपर सच। इन अगर किसी ने भी इनसे रिवेंज लेना हो ना, इनकी बाइक में सिर्फ हाथ रख दो। और ये तो बात है, इनकी हवा टाइट हो जाती है। पार्किंग में बताऊं कहां खड़ी करता हूं, पीछे मोटरों के पास, कोई दिखे बिना किसी को बाइक। मतलब घर के अंदर भी पार्किंग बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी है, चादर डाल के ऊपर कोने पे। बहुत प्यार करते हैं ये अपनी बाइक से। पाजी भी टायरों में मिट्टी लग गई है। अरे वो जो इतना प्यार, पुअर इंडिया, पुअर इंडिया जो आधा किलोमीटर तक कोने पे 5 की स्पीड पे चल रहे ताकि कीचड़ ऐसे ऐसे ना घूमे पूरे टायर पे। पानी कहीं पे पड़ा हो ना, ये उतर के पैदल निकाल लेंगे, जूते गंदे हो तो बाइक नहीं गंदी होनी चाहिए। जिस दिन लेके आया मैं
घर ला के पैडॉक पे लगा के टायरों पे पॉलिश मार के चेन ल्यूब करके वैक्स वाली फिर चादर ढक के I'll see you next ride कनाडा वाली अंग्रेजी लाजवाब वाली जिसने ग्रामर खा जानी है हर राइड पे मतलब जिस पे ग्रामर खा जानी है इनकी चेन ना वैसे घिसे ना घिसे साफ कर करके घिस जाएगी जरूर इतनी साफ करते हो तुम अपनी चेन बहुत मैंने उसको बोला था उसको भी BMW वालों को मैं कहा ल्यूब मत करिए तुम्हारा गंदा ल्यूब है वो मैं अपने आप करूंगा घर तक आते आते सारा लॉय और ऊपर पूरे ऐसे घूम गया बताओ तब भी देखो ऐसा क्रेज देगा आपने मतलब नेक्स्ट लेवल क्रेज है इनका जो BMW वाले पे ही जिसने बाइक दी है उसी पे ही भरोसा नहीं है इनको आई डोंट ट्रस्ट BMW एनीवन BMW पीपल ये तो ब्लॉग बनावांगे आप बाद जो सा काम होया